ना ही किसी के साथ बिला वजह दादागिरी करते हैं। और हमारी आदत ही नहीं है गरीब को दबाना। हर वो अल्लाह देख रहा है, ये शहर देख रहा है। कल 10 मार्च को सर्वे नंबर 106-107 गुलशेर नगर मेन रोड पे मालेगांव कांग्रेस, मालेगांव राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से कल एक अजीमशान जलसा सभा ली जा रही है, क्योंकि आगे रमज़ान मुबारक है और ईद के कई बाद में कई दिनों तक राजकीय शासी प्रोग्राम नहीं होते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया था, मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी पदाधिकारी ने, सभी अहदेदारान ने, इसलिए हम लोगों ने पहले ही पत्रकार परिषद के ज़रिए 10 मार्च का हमने वहाँ जलसा रखा है। जुम्मा के दिन रात में 8 बजे से 10 बजे तक वो जलसा चलेगा। मेरी शहर के सभी चाहने वालों से गुजारिश है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी जिम्मेदारों से, सभी आजी माजी, आजी तो कोई बचे नहीं, सभी माजी है, सभी माजी कॉर्पोरेटर से गुजारिश है कि भरपूर तादाद में उस जलसे को आपको कामयाब बनाना है और हम विकास और काम की बुनियाद पे हम अब बात करने वाले हैं। कुछ बातें हैं जो एपिसोड के ज़रिए जो ग्रेजुएट अपने आप को कहने वाले एक फैमिली के लोग हैं मालेगांव में, उनकी ओर से बहुत सारी गलतफहमियां शहर के अंदर, कौन सा एपिसोड निकाले, एपिसोड क्या बोलते हैं उसको, तीन एपिसोड चार एपिसोड कितने एपिसोड आने वाले हैं मालूम नहीं। उनका जवाब देना तो मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि जब इंसान किसी के ऊपर उंगली उठाता है तो चार उंगली अपनी तरफ खुद रहती है, उसको ध्यान ही नहीं रहता नहीं। और इस शहर और ख़ासतौर से रविवार वार्ड और गुरुवार वार्ड इस बात को अच्छी तरह जानता है कि इनके धंधे आए क्या। हमारी फैमिली के बारे में भी लोग अच्छी तरह जानते हैं, कोई ऐसी नवी बात नहीं। अल्लाह के रहम करम से इस शहर की गरीब आवाम और कारोबारी लोगों की दुआओं से, माँ बहनों की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे 2 टर्म MLA, मेरे बेटे को 1 टर्म MLA, मेरी अहिल्या को 2 टर्म महापौर, मुझे महापौर, मुझे नगर अध्यक्ष, बेटे को महापौर, खलील भाई को स्टैंडिंग चेयरमैन, 1 बेटे को मेंबर। इस तरीके से हमको बहुत अल्लाह ताला ने नवाजा है इज्जत से। और हम कारोबारी लोग हैं, हमारे भाई मरहूम खलील भाई हो, रमज़ान भाई हो मरहूम, बशीर भाई हो मरहूम, और आज हम अगर 4 भाई हयात है, या हमारे बेटे भतीजे वगैरह जितने हैं, ये हमारे जो खून पसीने की कमाई से हमारे धंधे बिजनेस चलते हैं। हम किसी की ज़मीन पे ना कब्ज़ा करते हैं, ना ही किसी के साथ हठधर्मी करते हैं, ना ही किसी के साथ बिला वजह दादागिरी करते हैं।
और हमारी आदत ही नहीं है गरीब को दबाना, हर वो अल्लाह देख रहा है, ये शहर देख रहा है। यही सब चीज़ों को लेकर कल ये जलसे आम और सभा होने वाली है काम के और डेवलप के को लेकर, शहर के अंदर जो आसिफ भाई ने जो गवर्नमेंट से फंड लाया, हम लोगों ने कॉरपोरेशन के ज़रिए जो शहर के अंदर जितना हमसे बना कोशिश की काम करने की, और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। सरकार नहीं भी है तो हमारी कोशिश रहती है कि सरकार के अंदर जो भी बैठे हुए जो लोग हैं, सरकार सबकी होती है, भले या शिवसेना और बीजेपी की सरकार है, लेकिन संबंध अच्छे बना के रखे जाते हैं और उसके ज़रिए शहर का आवाम का काम किया जाता, और वो हो रहा है शहर में। और यही सब बातों को लेकर के कल मेरी शहर की आवाम से गुरुवार वार्ड हो, रविवार वार्ड हो, चाहे वो हमारा मदनी नगर हो, 20 नंबर हो, या प्लस हमारा नया इस्लामपुरा, इस्लामपुरा नयापुरा, सोमवार बाजार, ऐसी जितने भी एरिए रौनकाबाद, नुमाई नगर, ऐसे तमाम हमारे चाहने वालों से, और रमजानपुरा और दयाना सिवार के और दरेगांव सिवार के लोग से भी मेरी गुजारिश है कि ज़रूर वहाँ आप लोग तशरीफ़ लाइए। हमको ताकत नहीं दिखाना है, आज उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हज़ारों की तादाद में बहरहाल वहाँ आइए। आगे ना जाने कब इलेक्शन डिक्लेयर होगा, वो अलग विषय, कॉरपोरेशन का, असम्बली का, 1.5 साल तो बचे हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, असम्बली हो या कॉरपोरेशन हो। कॉरपोरेशन अगर हो जाता तो 8-10 महीने हो जाते, 7 महीने हो जाते, लेकिन अभी कोई वही से नहीं हो पा रहा है। बहरहाल कल बाकी तफसील से वहाँ मैं बात करूँगा, और तफसील से आपको मेरी तकरीर के अंदर सब बातें बताऊँगा शहरियों को। मेरी गुजारिश है ज़रूर वहाँ आइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।